नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दादा टेक चैनल पर। चल शुक्र है आज की वीडियो टेक की बात है। वीडियो से शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर जो टेक न्यूज आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो का फोन आने वाला है जो 5G सपोर्टेड रहेगा और उसमें 55 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड भी दिया जाएगा और 855 प्रोसेसर भी लगाए जाएंगे। दूसरी जो टेक न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से आ रही है, ओप्पो का एक फोन आने वाला है जो बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो का फोन आने वाला है। और तीसरी जो टेक न्यूज आ रही है गूगल पिक्सल की तरफ से आ रही है, गूगल पिक्सल के दो मिड रेंज फोन आने वाले हैं जो 20,000 रुपये तक ऐसे कुछ फ़ोन आने वाले हैं जो 4,000 mAh की बैटरी रहेंगी और 5G सपोर्टेड रहेंगे, उसमें 5G सिर्फ 5G सपोर्टेड रहेंगे और 5G का चिपसेट भी लगाया जाएगा। और चौथी टेक न्यूज आ रही है पोको की तरफ से आ रही है, पोको का एक फ़ोन, पोको जो इंडिपेंडेंट ब्रांड बन जाएगा और पोको जो F2 है, मतलब जो पोको नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है पोको का, वो जल्दी ही 2020 में देखने को मिल सकता है। और वो पोको F7 बहुत बेहतरीन अलग स्पेसिफिकेशन पोको या पोको का जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला उस पर देखने को मिल सकता है। और पाँचवीं टेक न्यूज आ रही है हुआई की तरफ से, हुआई का P14 प्रो जो है उसमें जो कुछ बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन निकल के आए जो कैमरा के रिलेटेड है, उसमें डायनेक जूम कैमरा देखने को मिल सकता है और उसमें जो क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है, क्वाड कैमरा में बायर सेंसर देखने को मिल सकता है, प्रिज्म जूम कैमरा देखने को मिल सकता है और पेरिस्कोप जूम कैमरा देखने को मिल सकता है। कुछ बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन हुआई P40 प्रो में देखने को मिल सकता है। वो छठवीं टेक न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी 3, रियलमी C1, रियलमी 2, उसमें कुछ एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है जो सिक्योरिटी पैचेज रहेंगे और बहुत सारे इंप्रूवमेंट रहेंगे जो 2 से 3 GB तक, ऐसे कुछ बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। जो सातवीं टेक न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का F15 जो 16 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसकी जो प्राइस रखी गई 19,990, उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिए गए 4,000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और जो प्रोसेसर है P17 प्रोसेसर रखा लगाया गया उसमें, और उसमें जो क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है फ्रंट की तरफ आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, उसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है, बैक की तरफ 4 कैमरा देखने को मिल सकता है, 48+2+2+2 ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन रखा गया ओप्पो 15।